हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि स्लैब के लिए आपको किस टाइप का सीमेंट यूज करना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था आप पीपीसी सीमेंट मींस पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट यूज कर सकते हो। तो उसमें कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें कॉलम या पिलर्स के लिए कौन से सीमेंट को यूज करना चाहिए। तो कॉलम और पिलर जो होता है आपको पता है कि हमको जल्दी जल्दी से कास्ट करना होता है, क्योंकि हमें आगे काम अपने जो कंस्ट्रक्शन है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, क्योंकि हम कॉलम खड़ा करते जाते हैं उसके बाद ही हम अपना स्लैब डालते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमको कॉलम की कास्टिंग जल्दी जल्दी करनी होती है। तो जल्दी जल्दी जहाँ पर बात आती है हमको कम ड्यूरेशन मिलता है कंक्रीट को हार्ड होने के लिए, तो वहाँ पर हम ओपीसी सीमेंट यूज करते हैं। ओपीसी सीमेंट बेसिकली पीपीसी के कंपेयर में जल्दी जो है रैपिड हार्ड होता है, जल्दी से हार्ड हो जाता है और जल्दी से आपको मजबूती दे देता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम ओपीसी यूज करेंगे सीमेंट अगर हम कॉलम या पिलर की बात करते हैं। ठीक है, और अगर हम बीम की बात करते हैं तो आपको पता है आजकल जो बीम कास्ट की जाती है वो स्लैब के साथ कास्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो जब भी स्लैब की कास्टिंग होगी तो आपको पता है कि शटरिंग जो है बीम के लिए भी दी जाती है, तो उसी कंक्रीट से जो है बीम की कास्टिंग हो जाएगी। बीम के लिए जो है पीपीसी सीमेंट ही आप यूज करोगे, जैसे कि आप स्लैब में यूज कर रहे थे। कॉलम के लिए या पिलर्स के लिए मैंने बताया आप ओपीसी सीमेंट यूज करोगे। डिसेटरिंग पीरियड कम होने की वजह से हम ऐसा करते हैं। डिसेटरिंग पीरियड क्या होता है कि कास्टिंग करते समय हम शटरिंग जो लगाते हैं आपको फोटो में दिखेगा, उस शटरिंग को क्या करते हैं हमको साइज के अकॉर्डिंग, कॉलम या पिलर के साइज के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, शटरिंग बनानी होती है। ठीक है, उसके बाद उसमें कंक्रीट को फिल किया जाता है। डिसेटरिंग पीरियड जो होता है कॉलम के लिए या पिलर के लिए, वो अगर हम गर्मियों की बात करें समर डेज में 24 आवर होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आज हमने कास्टिंग कर दी, मतलब आज दोपहर के 1 बजे हमने कास्टिंग कर दी, अगले दिन नेट 1 बजे जो है हम उसको डिसेटरिंग कर सकते हैं, मतलब शटरिंग को हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी क्यूरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ओपीसी सीमेंट यूज करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि आपको क्यूरिंग ज़्यादा करनी होगी, मीन्स तराई ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप क्यूरिंग नहीं करोगे तो कॉलम में क्या होगा, क्रैक्स आ सकते हैं। इसलिए लगातार कम से कम 10 दिनों तक आपको क्या करना होगा, क्योरिंग करनी होगी, मीन्स तराई करनी होगी ओपीसी सीमेंट के केस में। ठीक है, पीपीसी में उतनी ज़्यादा क्योरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हम ठंडियों की बात करें, ठंडियों में जो है अगर टेम्परेचर लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस है तो हम 48 आवर जो है उस कॉलम को देंगे जिसमें हमने ओपीसी सीमेंट को यूज किया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको पिलर कॉलम के लिए या जो हम वॉल्स बनाते हैं, कंक्रीट की वॉल बनाते हैं, बेसिकली बेसमेंट में जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर कंक्रीट की वॉल बनाते हैं, उसमें भी ओपीसी सीमेंट आप यूज कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉलम के लिए और कंक्रीट वॉल के लिए हम ओपीसी सीमेंट यूज करेंगे, और आपको जो है अगर यूज करना है पीपीसी सीमेंट तो उसको आप स्लैब के लिए यूज करोगे या बीम के लिए यूज करोगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।